हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है नॉमेनक्लेचर। इसके साथ थोड़ा टाइम हमें लग सकता है, इंशाल्लाह आप इससे कॉन्फिडेंट रहे, इंशाल्लाह आपका टाइम जाया नहीं होगा। ये आज 18 है, और है नॉमेनक्लेचर। देखो, नॉमेनक्लेचर में कुछ आपको नाम याद रखने हैं, कुछ रूल्स याद रखने हैं। नॉमेनक्लेचर पहले होता क्या है, देखो कोई चीज है, हम चावल की बात करें, यहाँ पे हम उसको तुमुल कहते हैं, हिंदी में उसको बाहर लोग चावल कहते हैं, कहीं पे और कुछ कह सकते हैं, इंग्लिश में राइस कह सकते हैं। अगर हम यूएसए जाएं और वहां बताएं उनको तुमुल, हमें तुमुल चाहिए, क्या उनको समझ आएगा? नहीं आएगा। तो एक नाम है जिससे आप सारे दुनिया में इसको जान सकते हो, वो है राइस, लेकिन उनके लिए जो अंग्रेजी जानते हैं। ऐसे अगर कोई केमिकल कंपाउंड लेना, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई सा भी केमिकल कंपाउंड, उसका मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ नाम होता है, ठीक है? तो उससे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। वो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक यूनियन है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। उसने कुछ रूल्स दिए हैं सारे कंपाउंड्स को नेम करने के लिए, एक रूल बना है, उस रूल के मुताबिक ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी केमिकल कंपाउंड का नाम रहता है, और वही नाम पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है, और उससे आइडेंटिफिकेशन सिंपल हो जाती है, ठीक है? देखो, आज हमें देखना है यही IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ब्रांचड चेन हाइड्रोकार्बन्स या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? इसके लिए कुछ रूल याद रखेंगे। सबसे पहले देखना है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। ये कैसे आपको समझ आएगा? अगर मैं कोई चेन लिखा, कार्बन चेन, ऐसे 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 और ऐसे, बाकी तो वैलेंस आप खुद भी सर्च में कर सकते हैं। देखो, लॉन्गेस्ट चेन इधर कहां से बनती है? लॉन्गेस्ट चेन एक ये बन सकती है, एक दो एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है? एक दो तीन चार पाँच, यानी स्ट्रेट अगर लेते हैं पांच आता है। अगर हम ऐसे लें, एक दो तीन चार पाँच छ हो गया छ। अगर हम ऐसे लें, फिर ऐसे, देखो वो कैसे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ग्यारह सात, तो हमें कौन सा लेना है इनमें? एक जगह छ आ रहा है, एक जगह पांच आ रहा है, और एक जगह सात आ रहा है। चेन इस तरह लेनी है, जब आप हाथ चलाते हो तो हाथ कहीं हमें रिवाइज नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? अगर ऐसे होगा वो कार्बन, देखो इसको आप क्या चलाओगे, ऐसे ऐसे नहीं बना सकते चेन, एक दो तीन चार, फिर वापस, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हमें यूनि डायरेक्शन चलना चाहिए। यानी अगर हम लेमैन की जबान में बताएं, जब हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी हो, इस तरह से करनी है कि कलम कहीं उठना नहीं चाहिए, उठना मतलब रिवाइज रीड्रॉ हमें कोई लाइन नहीं करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। देखो इसमें कोई रीड्रॉ करनी पड़ती है, ऐसे ऐसे चले, ऐसे ऐसे और ऐसे, देखो लाइन कहीं रीड्रॉ नहीं हो रही। अगर हम ऐसे करें, ऐसे करें, फिर ऐसे करें, ये तो रीड्रॉ होगी ना, फिर ऐसे चले, ऐसे चले, रीड्रॉ वाला नहीं चलता है ना? हमें सिलेक्टर करनी है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। आई समझ, जैसे मिसाल के तौर पर ये अगर होगा CH3 CH2 CH3 CH2 CH एक CH2 CH3 और CH3, देखिए इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये आएगी ऐसे। आई समझ आई? शाबाश। दूसरा
देखो, अगर कोई भी सबस्टूएंट है उसको चैन से, उसको हम चैन से बाहर जो है उसको सबस्टूएंट मानते हैं। जैसे ये चैन लिए हमने, है ना, ये चैन लिए ना, बाकी सारे जो है ना ये और ये, इनको सबस्टूएंट मानेंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था अल्काइल ग्रुप क्या होता है। अल्काइल होता है अल्केन जिसमें से एक हाइड्रोजन कम हो, उसका नाम होता है अल्काइल। एल मतलब कितने कार्बन लंबा है और उसकी जगह लगाते हैं लास्ट पे वायर। जैसे ये कितने कार्बन लंबा है, एक कार्बन लंबा है, इसको बोलेंगे मिथ। अल्काइल ग्रुप है इसलिए वायर, इसको बोलेंगे मिथाइल। इसको भी क्या बोलेंगे, मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। ठीक है, कितने हो गए, कहीं पे हो सकता है CH3 CH2, यानी अगर CH3 CH3 होता था अल्केन, सैचुरेटेड अल्केन इथेन, मगर इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला है। मैं पता है जब भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। एल्क मतलब है कार्बन चेन कितनी लंबी है, कितने कार्बन चेन लंबी है, दो, इसीलिए इसको बोले इथ। शाबाश, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है इसलिए लगाएं इथाइल, इसको बोलेंगे इथाइल ग्रुप। समझ आई, शाबाश, हो गए दो। तीसरा, हमें काउंटिंग हर किसी चेन की काउंटिंग करनी पड़ती है। काउंटिंग इस लिहाज से करनी पड़ती है, ऐसे करनी पड़ती है ताकि सबस्टूएंट को जो है लोएस्ट नंबर मिले। कितना, देखो सबसे पहला सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन और ग्रुप्स आउटसाइड आर ग्रुप्स आर एटम्स आउटसाइड चेन आर डीम्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। और इनका नाम लेते समय ये प्रीफिक्स किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये मैं बोलना आपको भूल गया, मिसाल के तौर पर ये लिखूं मैं CH3 CH3, यहाँ पे अगर CH3 है, स्ट्रेट चेन तीन की बनती है, हो गया ना पहला स्टेप। दूसरा, ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है। तीसरा, अब इसको नाम लेना है। नाम देने के समय तीसरा रूल रखेंगे याद, काउंटिंग इस लिहाज से करनी है, ऐसे करनी है काउंटिंग, काउंटिंग ऐसे करनी है कि सबस्टूएंट जो है वो उसको लोएस्ट नंबर मिले। देखो बच्चों, ये चार कार्बन वाली लंबी है ना, चार कार्बन लंबी। देखो इसमें क्या हो सकता है बच्चों, इधर से 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4, ये काउंटिंग है। चलो दूसरी कर सकते हैं, 1 1 2 3 एंड 4, ये होगी दूसरी काउंटिंग। ये पहली काउंटिंग जो ये गलत है, क्या है गलत, दूसरी सही है। अब बताओगे सर वो क्यों गलत है। देखो उस तरह अगर हम काउंटिंग करते हैं, जो सबस्टूएंट है यानी मिथाइल ग्रुप, इसको मिलता है तीन, यहाँ पे क्या मिलता है, अगर ऐसे मिलते हैं ऐसे मिलता है लोएस्ट नंबर टू। तो हमें काउंटिंग इस उस साइड से करनी है जिस साइड से सबस्टूएंट को जो है लोएस्ट नंबर मिले, वो तो ये है। इधर से सबस्टूएंट को तीसरा नंबर मिलता है, इधर से दूसरा मिलता है, तो हमें क्या देना है, हमें वो साइड से काउंटिंग स्टार्ट करनी है जहां से सबस्टूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। तो इसका नाम क्या होगा, देखो पहला स्टेप आपको याद है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा आल ग्रुप्स आर एलिमेंट्स आर एटम्स आउटसाइड चेन आर डीम्ड एज सबस्टूएंट, तीसरा काउंटिंग इज डन इन सच अ वे दैट द सबस्टूएंट गेट्स लोएस्ट नंबर, वो भी आपको आया समझ। तो चौथा, इसमें एक एडिटिव रूल है, एडिटिव रूल क्या है, अगर एक है दूसरे पे, मिसाल के तौर पर ये है यहां और ये है यहाँ, एडिटिव रूल है, अगर दो पॉसिबल कहीं पे काउंटिंग हो रही एक तरफ से वो दूसरी तरफ, एक तरफ से भी दो मिल रहा है दूसरी तरफ से भी दो मिल रहा है, तो काउंटिंग हमें इस लिहाज से उधर से करनी है जहां से उनका ऐड करके लोएस्ट नंबर मिले। वो आपको मैं कैसे समझाऊं, ऐसे मिसाल के तौर पर CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH2,
देखो करो काउंटिंग यहां से 1 2 3 4 5 6 इसमें नहीं, इसमें यही लगता है वो एडिटिव रूल आगे जब हमें पड़ेगा वो हमें मैं आपको बोल देता हूँ ठीक है। अभी हमें आप कंफ्यूज हो जाओगे वैसे शायद। आप इसका नाम क्या होगा, जो भी सब्सटूएंट है ना उसको प्रीफिक्स किया जाता है। यहाँ पे सब्सटूएंट कौन है, मिथाइल, लेकिन ये लिखना है साथ किस पे मिथाइल है, ये तो तीन पे है इसीलिए इसका नाम होगा तीन पे नहीं, तीन तो गलत है, ये वाला सही है, टू पे है मिथाइल तो इसलिए इसका नाम होगा टू मिथाइल। कितने कार्बन नंबर है मेन चेन, 1 2 3 4, चार के लिए वर्ड रूट क्या ब्यूट, हर कोई सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा 3-methyl-butane ठीक है। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज हम करते हैं आपको खुद समझ आएगा, चलो इसी का नाम लेते हैं इसको। अगर काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 पे आता है, हाँ आपको वो रूल खुद समझ आएगा, 1 2 3 इधर से भी 1 2 3, लेकिन वो मैं एडिटिव रूल बोल रहा था देखो 1 2 3 अगर इधर से करें तो भी तीन पे आता है, इधर से अगर करें तो भी तीन पे आता है, लेकिन अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 तो 5 पे आ रहा है और ये 3 पे आ रहा है। देखो 5 पे कितने हैं, 2 5 5 कितना हो गया 10 प्लस 3 कितना हो गया 13 ठीक है। देखो अगर हम इधर से काउंटिंग अप करते हैं, इधर से 1 2 3 अगर हमने इधर से काउंटिंग की, अब चलो बच्चों हम उधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तब क्या आता है नंबर 1 2 यहाँ पे तब 3 आता है, 3 और यहाँ पे 6, देखो 3 और 3 कितना होता है 6, 6 और 6 कितना होता है 12। देखो आप किसको हम प्रेफरेंस देंगे, वहां पे जहाँ पे लोएस्ट नंबर है तो हम इधर से लेंगे इसको प्रेफरेंस, फिर से बताऊं समझ नहीं आया। देखो बच्चों अगर हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 तो पहला मिथाइल ग्रुप कितने पे आता है 6 पे, ये किस पे आता है अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 3 पे आता है, और ये किस पे आता है 6 पे आता है, 6 पे कितने हैं 2 और 6 और 3 फिर 6 पे फिर 6 पे कितना हो गया 1 2 3 4 5 सॉरी 5 1 2 3 4 5 5 5 पे। देखो इनकी पोजिशन को अगर ऐड करें वो कितना जमा हो जाता है 13 ठीक है। अगर हम उधर से आप काउंटिंग करते हैं 1 2 3 3 पे कितने 2 यानी 3 और 3 4 5 और 5 पे 1 तब कितना आता है 3 3 6 6 और 5 11। देखो अब लोएस्ट नंबर कहाँ से आ रहा है, लोएस्ट नंबर आ रहा है अगर हम उधर से काउंटिंग करें, इसी को बोलते हैं लोएस्ट एडिटिव रूल। यानी काउंटिंग इस स्टाइल से करनी है, अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटूएंट है, अगर बेशक एक ही पोजीशन पे आ रहा है पहला दूसरे को उस वाला साइड से उसको काउंटिंग करना है ताकि उनका एड करके जो वैल्यू मिले वो लोएस्ट पॉसिबल मिले। तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, काउंटिंग हम करेंगे अब ऊपर से ही स्टार्ट। And we have 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5, 6 and 7 ठीक है। अब करना है इस पे रूल लगाना है, जो भी प्रीफिक्स है सब्सटूएंट उसको प्रीफिक्स करना है। सब्सटूएंट कौन कौन है, 3 पे है, फिर 3 पे है, फिर 5 पे है, क्या है तीनों जगह मिथाइल है, कितने मिथाइल 3 तो इसको बोलेंगे 3 3 5 ट्राई मिथाइल। चेन कितनी लंबी है 7 7 के लिए क्या है हेप्ट, हर कोई सिंगल बॉन्ड है तो एन, यानी 3 3 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ऐसे और एक नाम लिखूं CCCH2H, तो इसका नाम क्या होगा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, प्रेफरेबली जब स्ट्रेट भी बनती हो, ऐसे भी तीन प्रेफरेबली स्ट्रेट चेन लेनी है। ये क्या बन गया सब्सटूएंट, अब क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन आ गई सब्सटूएंट भी आ गया, अब क्या करने काउंटिंग किस आय से करने, सब्सटूएंट को लोएस्ट नंबर मिले 1 2 एंड 3 तो इसका नाम क्या होगा 2 पे है, क्या है 2 पे सब्सटूएंट मिथाइल 2-methyl। ये क्या है इथ मिथ प्रॉप, हर कहीं क्या सिंगल बॉन्ड ए एन ए, तो 2-methyl propane। इंशाल्लाह इसे आगे हम कल इसको प्रैक्टिस करेंगे,
इसको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है इंशाल्लाह, बाकी ये आपको खुद आएगा। कल हम देखते हैं एल्कीन अगर कहीं होगा, एल्काइन होगा या हेलो ग्रुप होगा, कल हम उससे आगे आगे देख लेते हैं। टिल देन खुदा हाफिज़।